साइड से व्यू देखिए, ओहो बहुत क्यूट कार है। कल मैं वेदर का कंप्लेन कर रहा था कि ठंड आया और चले जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है करके, तो आज ऊपर वाले ने सुन ली, बदली छाई हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, तो हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाएगा। और लास्ट वीक जो मैं वीडियो बनाया था आरी मेटियोर का, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और बोला कि भैया कम से कम एक रिव्यू वीडियो हफ्ते में आना चाहिए, और इसके साथ ही आप लोग बोले कि भैया होंडा हाइनेस का आप रिव्यू बनाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ होंडा के शोरूम, देखते हैं अगर वहाँ पे डेमो व्हीकल अवेलेबल होगी और अगर मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन मिलती है तो वीडियो बनाते हैं आज होंडा हाइनेस का। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंता भाई जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और वीडियो चालू करने से पहले ही लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। रायपुर के इस चौक का नाम है भाटा गांव चौक, और मेरे को अभी जाना है पचपेड़ी नाका चौक में। आप लोग गैस करिए कि पचपेड़ी नाका में मेरे कौन से मित्र रहते हैं, और उन्हीं के साथ में जाएंगे हम लोग होंडा शोरूम। भाई एक मस्त वाली कार दिख रही है आगे, बीटल है लग रहा है। ओहो बहुत बहुत सुंदर कार, CG7, क्या बात, बहुत सुंदर कार। साइड से व्यू देखिए, ओहो बहुत क्यूट कार है। अरे वाह, आप लोग को तो मेरा नाम पता है। हाँ किनको किनको पता है? और मैं तो स्पेशल सब्सक्राइबर हूँ आपका। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मैं बहुत दिन से देखता हूँ आपका ब्लॉग रोहित। क्या बात, मजा आ गया छोटे छोटे बच्चे लोग से मिलके। फ्यूल टूट गया था क्या? हाँ उसका वो ऑयल सील कट गया था, कल ही लगवाया हूँ। भाई आज वाला व्लॉग भी देखा है तू? आज वाला नहीं, कल वाला, परसों का। अरे वाह, अरे वाह मजा आ गया भाई मिलके। आ रहा हूँ गाड़ी अंदर रख के ना। आपको वहाँ पे आप देना, मैं आपको तभी पहचान लिया। तो वर्ल्ड फेमस डोमिनर के बाजू में लगा दूँ? कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और अगर बच्चों से तारीफ मिल जाए, बच्चों से अप्रिसिएशन मिल जाए तो क्या बात। तो कृतेश भाई के घर आके मजा आ गया। कृतेश भाई के सारे पड़ोसी वड़ोसी। हेलो, हेलो, हेलो। नाम बताओ, नाम एक-एक एक-एक करके, एक-एक लाइन में खड़े। माय नेम इज अमन पटेल। अरे माय नेम इज अल्पेश कर्मकार। माय नेम इज रोहित मांझी। और कौन मेरे वीडियोस डेली कौन देखते? इधर आओ, इधर आओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये रोहित भाई हैं, ये डेली व्लॉग देखते हैं। शायद भाई मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। देखता हूं मैं आपका व्लॉग। आज सबसे बड़ा लाइक बटन और पूरा चैनल सब्सक्राइब और सब कुछ तेज है मिलके ना, पूरा तमन्ना पूरा हो गया। आज आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाई सब कर दिया आज, इनसे मिलके सारा पूरा हो गया। लाइक सब्सक्राइब सब करता हूं। एक सेल्फी ले लूं आपके साथ में, सारे बच्चों के साथ में ना? आपके साथ तो लूंगा मैं सेल्फी। वो दारू सिगरेट वाला भी देखा हूँ, और क्या बोलते हैं वो अमित बढ़ाना भी वाले भी देखा हूँ। तो दारू सिगरेट कभी नहीं ना? हाँ कभी नहीं। चलो चलो कृते। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तेरे से भी ज्यादा मेरे को मजा आया। गोलू भैया कहाँ है? गोलू भैया, गोलू घर में है, उससे भी मिलाऊंगा कभी, है ना? गोलू को लाना भैया। कृतेश थैंक यू बच्चों से मिलाने के लिए, दिन बन गया मेरा आज का। वो दिन से बोल रहे थे कि मिलना है भैया से ऐसे करके, और तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है ना, एकदम निस्वार्थ भाव वाला प्रेम। एक एक वीडियो आपका देखते भैया, और क्या चाहिए। अरे वाह भैया, छोटे सब्सक्राइबर है। क्या बात, अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई भाई हमारी, और थोड़ा सा बढ़िया से अच्छे से फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाना है मेरे को अभी, और अच्छा अच्छा से बच्चे लोग देखते हैं भाई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बिग विंग करके, एक होंडा का नया शोरूम खुला है, नया है ना, दिसंबर 15 तारीख को ओपनिंग हुई। तो अभी वहां पे जा रहे हैं, देखते हैं व्हीकल अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो टेस्ट राइड मिलती है कि नहीं, और अगर टेस्ट राइड मिलती है कितनी देर के लिए मिलती है, चल के ही पता चलेगा। होंडा हाइनेस तो खड़ी है, ये डेमो व्हीकल तो लग नहीं रही है, अंदर जाके देखते हैं, बात करते हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र की बाइक है, वो यहाँ पे आए हुए थे अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए, तो वो बोले सर बिल्कुल आप चला के देखिए, वीडियो बनाइए, टेस्ट राइड करिए, क्या बात।
इस वक्त 5:20 हो रहे हैं और सेल्फ लेने के बाद गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुनते ही मेरे को इतना तो बोलना पड़ेगा कि भाई बहुत स्मूथ है, वाइब्रेशन एकदम जीरो है। बाइक का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो तो बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो पहली ही मुलाकात में लगता है ना अंदर से एक वाइब आती है कि भाई हमारी केमिस्ट्री जमेगी कि नहीं, हमारा अच्छे से जान पहचान होगा कि नहीं, हमारी दोस्ती होगी कि नहीं, वो एक वाइब आ जाती है हम लोग किसी से भी मिलते हैं तो। वैसे ही इस बाइक से मुलाकात का जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो वाइब आ रही है वो बहुत प्यारी है। बाइक चलने में बहुत अच्छी लग रही है। आपके जो भी प्रश्न हो इस बाइक से रिलेटेड बिल्कुल बिंदास पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। कल इस बाइक का डेडिकेटेड मैं रिव्यू बनाऊंगा, उसमें आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। हाइनेस का टेस्ट राइड लेते लेते हम लोग आ गए हैं हमारी एज यूजुअल जगह में। और जो भाई लोग बोलते हैं कि रोज़ रोज़ आप तेली बांधा तालाब क्यों जाते हो, आपको बताते हैं कि रोज़ रोज़ हम लोग तेली बांधा तालाब क्यों आते हैं, ये कितना खूबसूरत है। और ये बताने में आज मदद करने वाले हैं विनायक भाई अपने ड्रोन के साथ। ड्रोन उड़ते हुए देखने के लिए दर्शक भी है हमारे जो बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं। क्या नाम है बेटा? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक का देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो अब मेरे चैनल को भी नहीं भूलना। बिल्कुल। ड्रोन हमारा बस थोड़ी ही दूर पे गया था और वापस आ गया क्योंकि बैटरी का कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो आज उतने अच्छे से नहीं दिखा पाए। कल दिखाएंगे क्या? कल दिखाएंगे। अच्छा, और आप मेरा बेटा को पतंग उड़ाना सिखाए हो तो आप मेरे को ड्रोन उड़ाना कब सिखाओगे? कल या परसों में अपन ड्रोन उड़ाना सीखेंगे। मैं आज तक कभी भी ड्रोन उड़ा के नहीं देखा हूँ कि कैसा लगता है उड़ाने में, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा, मजा आएगा। बिल्कुल। कठिन है आसान है ड्रोन उड़ाना? बहुत आसान। आसान है। गांव से भाई आया है अपना सोनल, इसको मेरे वीडियोस में पहले देख चुके हो आप। रायपुर में ही रहता है। और सोनल क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भैया, मैं लगातार रोज मतलब आपके वीडियोस देख रहा हूँ अभी, और मैं वही बता रहा था भैया को कि कंसिस्टेंटली जब वीडियो देखो ना तो देखने में भी मजा आता है। मेरे को भी बनाने में मजा आ रहा है। और रोज रोज देखो तो एक कनेक्ट रहता है ना। हाँ। कि आप रोज क्या कर रहे हो। हाँ, हाँ। क्या चल रहा है, आज क्या नया आएगा, आज क्या नया आएगा, कल क्या नया आएगा। हाँ। और पता रहता है कि कल सुबह तो आने ही वाला है वीडियो। हाँ। तो देखने का एक एक्साइटमेंट रहता है कि क्या आने वाला है। हम लोग ऑफ कैमरा सोनल से पिछले लगभग आधे एक घंटे से बात कर रहे हैं, और सोनल के साथ में एक वीडियो में बनाया था गाँव में गांव में एक मैं वीडियो बनाया था मेला वाला। हाँ, हाँ। मस्त वीडियो बनाया था बहुत, भाई बहुत। उस अच्छा वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ आई बटन में। बहुत प्यारा वीडियो और एक्सपेरिमेंटल वीडियो था मजा आया था। हाँ। वो अलग थोड़ा और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखिए, और प्लस वो वीडियो देख के वो जो लाइक करना है और जो कमेंट करना है और जो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है वो जरूर करिए। हम लोग एक ही गाँव से है भाई, सोनल बागबहार से है, यहीं पे रायपुर में ही इसकी पढ़ाई लिखाई सब हुई है। हम लोग मिलते रहते हैं, इस बार काफी लंबे गैप के बाद मिले। गोलू को मजा आ रहा है। गोलू को बहुत मजा आ रहा है। बेटा कैसी है साइकिल चाचू की? अच्छी है। कितने का लिया सोनल? ये डिकैथलॉन से लिया है मैंने। हाँ? तो इसकी जो सिर्फ बॉडी है वो 7,000 रुपए की है। ओके। और लेकिन इसके साथ में जो एक्सेसरीज हैं वो काफी महंगे हैं डिकैथलॉन के। ये लाइट और ये लाइट मैंने बाहर से ली। हाँ? ये जो लॉक है, इस लॉक का भी एक अलग से होल्डर है। हाँ? लेकिन वो होल्डर लगाया नहीं हूँ मैं, तो वो होल्डर अलग से मैं लेके आया। तो ये टोटल साइकिल अपने 10,000 रुपए के आसपास, 10-10,500 आपको पड़ेगी। हमारी साइकिल तो बन नहीं रही है ना गोलू। हाँ। वो वाली साइकिल का अपडेट ये है कि जो साइकिल वाला व्लॉग भी अगर आप लोग नहीं देखे हो देख लेना, तो वो साइकिल हमारी बन नहीं रही है, तो उस साइकिल को करना है डोनेट और लेंगे हम लोग नया। नया तो इसका एक बड़ा साइज भी आता है, तो अगर आपके साइज में लेना होगा ना, तो ये मेरे हाइट के हिसाब से मीडियम साइज है, तो अगर आपके हाइट के हिसाब से लोगे तो एल साइज आएगा उसका। ठीक, उसके बाद साइकिलिंग करेंगे ना बेटा। इसी नोट पे आज का व्लॉग हम लोग समाप्त करते हैं। आपको पहले तो सब्सक्राइब करना है सबको। हाँ, उसके बाद फिर ओके लाइक वगैरह सब करना है। हाँ, राइड सेफ ऑलवेज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।